ये सारे खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और जेजेपी के दीप कमल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दीप कमल जी, शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर की तो चर्चा हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि हरियाणा को लेकर भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। नीरज इज वेरी श्योर, हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि सिर्फ एक जगह के नहीं, यहाँ पर हरियाणा के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, जबकि नायब सिंह सैनी नहीं मान रहे हैं इस बात को। नहीं देखिए, ये बात तो ठीक है कि चुनाव आयोग की टीम हरियाणा में मीटिंग करके गई है, चंडीगढ़ में दो दिन तक रही थी, और काफ़ी चर्चा भी इस बात की है कि थोड़ा जल्दी इलेक्शन होने की कोई कोशिश हो सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे मुझे तो कम से कम ये लगता नहीं कि आज कोई घोषणा होने वाली है। अच्छा। एक तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कल सुबह 9 बजे एक कैबिनेट बैठक रखी हुई है, तो हम अगर अपना अंदाजा लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, यहाँ पर भी है, तो उनके मुख्यमंत्री को तो कम से कम इस तरीके का आभास होना चाहिए कि आज अगर आचार संहिता लग जाती है तो कल कैबिनेट मीटिंग का कोई तर्क नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो इस कैबिनेट मीटिंग को आज भी कर सकते थे या दो दिन पहले भी, लेकिन कल 17 तारीख सुबह 9 बजे हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इम्पोर्टेंट डिसीजन होने वाले हैं। नीरज हमें पुकार रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज देखिए रूबिका, बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा इतने पहले कैसे हो सकता है। देखिए, पहले नहीं हो रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा, आज अगर घोषणा होगी तो हरियाणा में मतदान अक्टूबर में जाएगा, इस बात की संभावना है, और अक्टूबर में अगर जाता है पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, और 15 अक्टूबर के आसपास मतगणना होती है दोनों प्रदेशों की, तो 3 नवम्बर को खत्म हो रहा है, और 15 अक्टूबर तक अगर चुनाव आयोग तमाम विधानसभा के विधायकों की संख्या आपको दे देता है उनके निर्वाचित होने की, तो आप 15 दिन पहले चुनाव करा रहे हैं। घोषणा आप जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हैं, और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि महाराष्ट्र का भी प्लान था लेकिन आखिरी वक्त में उसे बदला गया है, वो कारण चुनाव आयोग बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र का भी प्लान था लेकिन आखिरी वक्त में उसे चेंज किया गया है, जाने की तैयारी थी लेकिन उसको पोस्टपोन किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, राजीव कुमार नहीं गए, एस एस संधु नहीं गए, ज्ञानेश कुमार नहीं गए, और हरियाणा का दौरा करने के बाद गृह सचिव के साथ जो 2 दिन पहले बैठक हुई वहां से कुछ बदलाव हुआ है महाराष्ट्र को लेकर, और ये तय हुआ कि जम्मू कश्मीर कराइए क्योंकि 19 तक तो अमरनाथ यात्रा है और तमाम फोर्सेज वहां आपके मौजूद हैं, और नॉर्थ से आप शुरू करेंगे तो एक तरफ तो आतंकी चुनौतियां हैं, टेरेन की चुनौतियां हैं, और दूसरी एक महत्वपूर्ण चुनौती मौसम की है, तो नॉर्थ से आप साउथ की तरफ आएंगे, और साउथ आते आते क्योंकि 10 साल बाद चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा क्या था आपको याद होगा, बाहरी ताकत हो या अंदरूनी ताकतें, जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव को कोई नहीं रोक सकता। ओके, और यहाँ पर देखिए पीछे वहाँ सुखबुगाहट भी शुरू हो गए हैं, हो गई है, 2:43 इस वक्त हो रहे हैं, लगभग 18 मिनट के बाद जो है अब आप वो चुनावों की तारीखों का ऐलान सुनना शुरू कर लेंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का नाम इसमें आ रहा है, महाराष्ट्र की अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। सतीश के सिंह साहब, जैसा अभी नीरज कह रहे थे, 600 कंपनियां तो अमरनाथ की यात्रा को लेकर अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और फिर हम जानते हैं कि मौसम जो है जम्मू कश्मीर में, जब बर्फ से ढक जाता है पूरा का पूरा इलाका तो और मुश्किल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दी हुई है, और इसीलिए जल्द से जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान जरूरी था। बिल्कुल, चुनाव की घोषणा हो ही जाएगी ऐसा लगता है आज, इसमें कोई इफ एंड बट मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है। लेकिन हम इसके मैक्रो पिक्चर पर जाएं तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होना और 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम लोगों ने सुना था कि केंद्र सरकार कहती थी कि स्टेटहुड जो है फिर से बहाल किया जाएगा, एंड मतलब मौके के आधार पर, तो अब ये देखना है कि चुनाव को लेकर जो चुनौतियां हैं वहाँ पर, जमहूरियत की जंग हम लोग बोलते हैं वहाँ पे, तो कैसे होता है जिस प्रकार से अभी 15-17 घटनाएं हुई हैं, कल भी एक फौज का कैप्टन मारा गया है, तो वो चुनौतियां तो हैं लेकिन सियासत है और संवैधानिक आर्ताएँ हैं, वो तो चुनाव तो होंगे ही। अब देखिए, वहाँ मेरे ख्याल से चुनाव ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये दुनिया को मैसेज जाता है कि भाई ये अब बड़ा दूसरा मिजाज है, और चुनाव तो यहाँ होंगे ही, कराए ही जाएंगे, और ये हमको लगता है कि हो ही जाएगा। अगर आप पूछे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये चैलेंजिंग होने वाला है, इससे पहले कि लोकल बॉडीज के हमने चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव देखे, अच्छे से गुजरे हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जी,
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो वैली में घाटी में भले ही भाजपा नदारद थी चुनाव से, लेकिन फुल फ्लेज्ड उतरी नहीं मैदान, तो लोग तो बहुत उत्साहित रहेंगे और बहुत हाबो हवा मिजाज पूरा बदला है। यही सबसे कम चुनौती थोड़ी थी, 370 हटने के बाद जो कुछ था और उसके बाद ये चुनाव जो हो रहा है, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे खिलाफ वाली शक्तियां हैं वो तो नहीं देखना चाहती, वो चुनाव तो, हो, हाँ, वो डिस्टर्बेंस देखना चाहती। एब्सोल्युटली। आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से, मतलब इनकी तो रगों में मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की हर खबर बहती होगी। आरती बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे देख रही है भाई अब से कुछ ही देर में, मतलब नीचे हमने तो टाइमर लगाना शुरू कर दिया है, 13 मिनट बाकी हैं और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये ऐतिहासिक वक्त है क्योंकि 10 साल, आरती आप और मैं तो कितनी बार वहाँ कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, हालात बदलते देखा है। रिबिका धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि पूरे देश को अभी नेशनल मीडिया ने जगा दिया है कि चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि क्या चुनाव सही वक्त है चुनावों के लिए, तो मैं बिल्कुल एक सटीक सा जवाब दूंगी कि जम्मू रीजन में जो आतंक हुआ है, खासकर इसे ये लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो हमने ग्राफ देखा है उसको देखते मुझे नहीं समझ आता है कि इलेक्शन कमीशन को इतनी कॉन्फिडेंस कैसे आई है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, खासकर जम्मू रीजन में, और किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन, वो अगर ले रहे हैं तो किस बेसिस पे ये डिसीजन ले रहे हैं कि ये बहुत ही सुरक्षित समय भी है और माहौल भी है जम्मू रीजन में इलेक्शंस कराने का। और अगर बात करें आपकी, आप कह रही थी अभी अपने दूसरे पैनलिस्ट को कि लोकसभा के चुनाव ठीक ठाक से गुजरे, बिल्कुल, और लोकसभा के चुनाव के टाइम पे कश्मीर का माहौल बहुत अरसों के बाद जो है नॉर्मल दिखा, एक तरह का एंथुसियाज्म जो हमने देखा अनप्रेसिडेंटेड था 30 साल के गैप के बाद। लेकिन मैं ये भी साथ में कहूंगी कि जो ग्राउंड पे लोगों के साथ मेरी चर्चा अक्सर होती रहती है, मैं हर महीने कश्मीर में होती हूँ, मैं आधा टाइम कश्मीर में होती हूँ, और लोगों का हमेशा यही मैंने सुना कि उनको एलजी रूल मंजूर है, अगर असेंबली इलेक्शंस ना भी हो लेकिन उनको जो पीस, जो शांति पिछले 5 साल में मिली वो बिल्कुल इस बात के लिए राजी थे और राजी है कि अगर पीस और इलेक्शंस में चॉइस है तो वो पीस को एक्सेप्ट करेंगे, वो पीस चाहते हैं ना कि पर आते